Hey, Jetia! Oh, shit. Here we go again. Hey, Jetia! I'll be fine. ठीक है, जैसा आप कहें। So, Vlog, इसके तरह आपको भी सोने का राइट है। हाँ, Vlog, स्लीपिंग आपका राइट है, वो भी फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और अगर आप अगर सोते हो, आप अगर गहरी नींद में हो, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो वो कर रहा है वायोलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। So, Vlog, मेरी बात को सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा, अबे क्या बकरा है तू, सोना जरूरी है अच्छे हेल्थ के लिए। अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो आपको 6 से 7 घंटे सोना पड़ेगा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट कैसे होगा? सो वीडियो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जैसे खाना पीना हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके तरह ही साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये आता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये जो राइट टू स्लीप मतलब सोने का राइट जो हमें मिला है, ये रामदेव बाबा के दया से मिला है। तो वे लोग, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि राइट टू स्लीप हम लोगों को कैसे मिला, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो वीडियो, कांड था 2012 में। 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक रैली होने वाला था, और ये रैली किसी ऐसे वैसे आदमी का नहीं था, ये रैली था बाबा रामदेव का, जो योगा शिविर चलाते हैं। तो ऐसे ही एक योगा शिविर ऑर्गेनाइज होने वाला था दिल्ली के रामलीला मैदान पर। तो मेरे को हिसाब सबको पता होगा कि जो रामदेव का जो योगा शिविर स्टार्ट होता है, वो रात 3-4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी की वजह से रात 10-11-12 बजे में वहाँ पर लोग धीरे धीरे आ रहा था, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। तो इसी बीच उस एरिया के मतलब रामलीला के एरिया में जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, उसमें एक टिप आता है कि जितने भी लोग उस रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुआ है, सब लोग पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाला है। तो वे लोग जब पुलिस को पता चलता है, तो वो लोग टीएम या मजिस्ट्रेट का परमिशन लेकर उस एरिया में सेक्शन 144 सीआरपीसी का धारा लागू करवाता है। वैसे भी लोग, आप सबको पता होगा कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का धारा कर्फ्यू नाम से फेमस है, मतलब उस एरिया में कर्फ्यू लगाया जाता है। वैसे भी लोग, आप सबको पता होगा कि जिस एरिया में कर्फ्यू लगाया जाता है, उस एरिया में आप ऐसे ही नहीं चल सकते, आपको कुछ देर के लिए आपके घर के अंदर रहना पड़ेगा, आप रास्ते में नहीं निकल सकते। और इस कर्फ्यू के सिचुएशन में आप सबको पता होगा, पुलिस जिसे चाहे उसे सर्च कर सकता है। तो इसी बीच वो लोग मतलब पुलिस रामलीला मैदान पर पहुंच जाता है, और वहां पर जाकर शुरू करता है सर्च, और इसी के वजह से वहां पर तहलका मच जाता है, लोगों के भीड़ में एक तरह का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। सो वीडियो, मैटर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस, जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार का ये कहना था कि जब भी किसी भी जगह पर आप 144 सीआरपीसी का धारा लागू करोगे, तो आप पुलिस को एक बात ध्यान रखना है कि आप 144 सीआरपीसी धारा लागू करने के पहले मतलब कर्फ्यू लागू करने के पहले आपको उस जगह पर अनाउंस करना है। लेकिन जो रामलीला मैदान का एरिया है, वहाँ पर पुलिस द्वारा अनाउंस नहीं किया गया था। उसके साथ साथ जब भी किसी एरिया में लोग पीसफुली सो रहे हैं, अगर आप किसी ऑफिशियल काम में भी जाते हो, अगर उस एरिया में कर्फ्यू भी रहता है, तो आप ऐसे ही वहाँ पर जाकर लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और रामलीला मैदान पर यही हुआ था। रामलीला मैदान पर पुलिस द्वारा सर्च उस टाइम पर किया जा रहा था जब लोग वहाँ पर सो रहे थे। जितने भी लोग बाबा रामदेव का रैली पार्टिसिपेट करने को आए थे, सब लोग उस टाइम सो रहे थे जब उस एरिया में 144 सीआरपीसी मतलब कर्फ्यू लागू किया गया। उसके साथ साथ उस एरिया में पुलिस द्वारा सर्च किया गया। और इसके साथ साथ दोनों जस्टिस का ये भी कहना था कि हर आदमी का जैसे खाना पीना उसका फंडामेंटल राइट है, वैसे उसका सोना भी उसका फंडामेंटल राइट है। तो आप उस आदमी को ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हर आदमी को अपना गहरी नींद इंजॉय करना, मतलब हर आदमी को गहरी नींद का जरूरत है एक हेल्दी लाइफ के लिए, चाहे वो दिन हो या रात। अगर कोई आदमी सो रहा है, तो आप ऐसे ही उसको जाकर डिस्टर्ब कर उसको सर्च नहीं कर सकते। तो रामलीला मैदान पर उस टाइम को जब पुलिस वहां पर सर्च करने को गया था, तो सब लोग वहां पर सो रहा था, ना कोई डिस्टर्ब कर रहा था। और वो लोग सेक्शन 144 सीआरपीसी में जो रूल है, जो जिसमें कहा जाता है कि उस सेक्शन 144 सीआरपीसी मतलब किसी भी जगह पर जब कर्फ्यू लगाया जाता है, कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है, जब भी डीएम या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी आदमी द्वारा या किसी ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा किसी भी जगह पर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया जाएगा, तभी कर्फ्यू लागू किया जाता है। लेकिन उस सिचुएशन में सब लोग मतलब रामलीला मैदान में जितने लोग रामदेव बाबा के योगा शिविर में आए थे, सब लोग सो रहे थे, और आपने क्या किया, आपने वहां पर जाकर लोगों को डिस्टर्ब किया। तो वे लोग इस बीच पुलिस कोर्ट में ये कहता है कि वो लोग ये किया क्योंकि उन लोगों को एक टिप मिला था कि जितने भी लोग वहां पर आए हैं, सब पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब भी कोई आदमी सोता है, तो वो ना कुछ सुनता है ना कुछ कहता है, तो वो कैसे कर सकता है पब्लिक पीस का डिस्टर्बेंस।
तो वे लोग इसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट के वो दो जस्टिस अमेरिकन कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला लेते हुए कहा है, जैसे हर एक आदमी का लेजर टाइम इंजॉय करने का राइट है, उसके साथ साथ उसको सोने का भी राइट है। उसके साथ साथ जब एक आदमी सोता है ना वो कुछ सुनता है ना वो कुछ कहता है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी का सोने के साथ साथ ना कुछ सुनना, इसके साथ साथ चुप रहना उसका फंडामेंटल राइट। तो इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा है जहाँ पर रात को एयरपोर्ट में कर्फ्यू लगा दिया जाता है पब्लिक पीस के लिए, ताकि लोग अच्छी तरह से सो पाए। तो इसकी वजह से बहुत सारे एयरपोर्ट में एरोप्लेन के लैंडिंग इसके साथ साथ टेक ऑफ को भी बंद किया गया है रात 12 बजे के बाद। सो वीडियो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।